बिल्कुल ना, रोजा है तमन्ना को। सही से देखे तो अभी मुस्तफा जा रहा है उनको देने के लिए। कितना टाइम बाकी आप देखें? बस आधा मिनट बाद। अपनी मम्मा को सलाम देना, ठीक है? छुट्टी लगेगी और कल रात को अम्मा आ जाएगी। जैसे अब्बू बताते रहते हैं ना हानिया को, बस हानिया रोज खुश होती रहती है, नहीं करो मेरी रोटियां खराब मत करो। डेली अब्बू बताते हैं हानिया को, रोज खुश होती रहती है अम्मा आ जाएगी। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कल अम्मा आ जाएगी। अम्मा को तो हार के फूल पहनाएंगे, हार के फूल पहनाएंगे। ये सुन रहे हैं क्या कह रही है? अम्मा को हार के फूल पहनाएंगे। मैं डेली इसका दरवाजा देखता हूँ, हार के फूल कहते होते हैं। मैं भी कह रही थी, मैं कह रही हूँ की डेली अब्बू इसे कहते हैं। फूल मुझे क्यों नहीं पहना जो अम्मा को पहना रही है? दोनों मम्मा बीवी को एक साथ पहनाएंगे। मैं दोनों को एक साथ पहनाएंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, दोनों को एक साथ उसको पहनाना बस। आपको भी पहनाएंगे दोनों को? मैं नहीं पहनूंगा। नहीं, दोनों को पहनाएंगे। चलो चलो ठीक। अब सच्ची में सच बताए, कल सुबह अम्मा की छुट्टी लगेगी और कल रात नहीं आएगी, दो तीन दिन में। आपने तो कहा था कल आ जाएगी। मैं कहा कल छुट्टी लगेगी। बस देखो मैंने कहा था ना कि रोज अब्बू से कहते हैं कि आ जाएगी, कल आएगी, और ये हमेशा खुश होती रहती है कि अम्मा आ जाएगी। बस इजाजत है साथ जाने की एयरपोर्ट पे, क्या लेने के लिए? अम्मा खीर किसकी पसंद की बन गई है? खीर बन रही है अब्बू के। अच्छा, अब्बू ने कहा कि मुझे खीर बना के दो, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ। खीर के अभी बन के तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छी आ रही है। यम्मी 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 खीर अभी खाएगी हानिया अब्बू के साथ, है ना? मम्मी हाँ जी, मुझे ना आप क्या बोलते समय समोसे की शेप बनाना सिखाओ। अच्छा, आप खुद बनाओ, आपको भी तो आते हैं, आप तो एक्सपर्ट हो गए बनाने में। और मैं आपको एक बात बोलूं? हाँ। मेरे जो पराठे होते हैं ना, उनकी बोरिंग शेप होती है। अच्छा जी, बोरिंग शेप होती है, वाकई बोरिंग शेप होती है। जो चीज भी आप बनाते हो ना, पराठे होते हैं, और अभी कह रही थी इसे समोसा बना रही हूँ मैं। मम्मी समोसे की शेप बनाना सिखाओ, मैं समोसे की बहन तमन्ना आप ही बनाऊंगी। अच्छा, और भैया बनाऊंगी, मलाज को भी बनाऊंगी, मोमी शार को भी बनाऊंगी। किसी को भी मत बनाओ, ठीक है ना? अपना बनाओ पराठा, और बस आप खुद ही खाओगी, कोई नहीं खाएगा आपके हाथ का पराठा। मैं मेरा समोसा मोमी समोसे की। कुकू भी आ गया दस्तरखान पे, हानिया अभी तक अपने पराठे बनाने में लगी हुई है। हानिया हानिया आ जाओ, बस हमारे साथ खा लो, छोड़ दो अपना पराठा, आ जाओ हमारे साथ खाना खा लो। आपको पता है हानिया ने सिर्फ 3 रोटी रखी और अभी तक उसने पूरे ना 15 3 नहीं रखे, मेरे ख्याल में 5 रखे, 5 रखे हैं। मोरा 3 रखे हैं ना, 5 रख लिए, 5 रोजे रखे हैं हानिया ने माशाल्लाह। फिर 13 तुमने कितने रखे? मैं तो पूरे रखे हैं। एक बार मस्जिद नबी के दरवाजे में जाके ना इसने पानी पी लिया, पानी भूल के हाँ। आगे अपना अंडा और पराठा बना, ये साइड से आ जाओ हानिया। हाँ, इसका पराठा ये देखे, ये पराठा और वो रहा इसका अंडा। कुकू हमारे मजे से खीर खा रहा है। कुकू अच्छी लगी आपको? आज इफ्तार में मैं बना रही हूँ मटर और चिकन कीमा। मटर मैंने कट कर लिया, अदरक और लहसुन का पेस्ट भी बना लिया। यहाँ पे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। अफ्तार में आज तमन्ना बना रही है चीज बॉल, है ना? चीज बॉल है ना इसका नाम जी। बिल्कुल ना रोजा है, तमन्ना को आवाज नहीं निकल रही, ऐसे कह रही है जी इस तरह। बहुत ज्यादा भूख लगी है। ये अलग से, ये अलग से, ये इसके अंदर डालनी है चीज, इसके अंदर ये वाले उसके अंदर जाएंगे। ये चीज है, इसको खोल के इसके अंदर डाल के फिर इसको ना ब्रेड क्रम से कोट करना है। एक ही बार में बना देती, वो अलग से बनाए, ये अलग से बनाए, फिर नहीं, कैसे? इसकी मैंने रेसिपी देखी, उसने ऐसे बनाई है। इसकी रेसिपी देखी, उसने ऐसे ही बनाई, अलग अलग से बना के पहले एग में उसे डाल के फिर ब्रेड क्रम से कोट करके उसे फ्राई कर देना। देखते हैं आज तमन्ना की ये रेसिपी कैसी बनती है। मलाक अभी अभी नींद से उठी है, नींद से उठ के फौरन इस रूम में आ गया मेरा बच्चा, है ना? है ना मलाक? क्या हुआ, अच्छा लग रहा है आपको? हानिया को बुला के ले आऊं? इस कर रही हो हानिया को? हाँ, छोटी सी जान मेरी, छोटी सी, उठाऊं आपको? इसकी ऐसी आदत बन गई ना, बस ये कहते मुझे उठाए रखो, मुझे लेटाओ नहीं। हाँ, आज आपने कौन से कपड़े पहने हैं? हाँ, आज आपने कहाँ जाना है अफ्तार करने के लिए, बताओ मम्मा को। मलाक आज कहाँ जाएंगे हम अफ्तार करने? मलाक ने कौन सी ड्रेस पहनी है, जल्दी से सब कुछ बताओ, जल्दी से, नहीं बताना? चलो ऐसे आ जाओ, थोड़ी देर ऐसे लेट जाओ कि बैक साइड से ना थोड़ा रेस्ट ले लो। तंग कर रहे हो उसे या उसे खिला रहे हो आप दोनों? हाँ, ये आपके हाथ में क्या है?
आपने मुझे बोल दिया, पता नहीं इसका नाम क्या है, तो आपने कहा चेक करके कैसे बने हुए हैं फिर? अच्छे बने हुए हैं, आप भी चेक करके देखो। मलाक उठ जाओ जल्दी से, वो रहे आपके कपड़े मैंने वहाँ पे प्रेस करके रख दिए, जल्द से उठो नहाओ। हाँ मलाक क्या है, वरना मम्मी की गोदी में जाना है। मैंने अभी मलाक के कपड़े चेंज करे, उठ जाओ ना प्लीज आप, जल्दी करो। हानिया उठो, आप भी दोनों के कपड़े यहाँ पे रेडी है, उठ जाओ, उठो। ये प्लेट को देख रही है, ये प्लेट किचन में रखे हो, जल्दी से चेक कर लिया, चेक कर लिया, ये ठीक है ना? हाँ सही है, सब कुछ सही है, उठो जल्दी करो, ये प्लेट रखे हो किचन में, जल्दी करो जल्दी। मैं मलाक के कपड़े चेंज करूँ, मैं आपको नहलाती हूँ, जल्दी करो। शूनम बच्चा फिर है, मलाक के कपड़े, मेरे बच्चे के कपड़े आ गए। मेरी मलाक ने तैयार होने, ये क्या होता रहता है? हाँ ये क्या है, ये सारा उठाने का ड्रामा है? हाँ कि मम्मा मुझे उठा ले, मम्मा काम ना करे घर के। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मन्ना ने चीज बॉल बना लिए हैं और साथ में सॉस भी बना के यहाँ पे रख के चली गई है, प्लेट में भी रखे हुए हैं और इस बॉक्स में शायद पैक कर रही थी अभी। तमन्ना ये पैक कर रही हो आप? जी। अच्छा सालन भी पैक कर दो फिर, ठीक है ना? नहाते नहाते मेरा छोटा बच्चा नहा के आ भी गया है ना। मलाक सर्दी लगी है मेरे बच्चे को, देख लो मलाक नहा के तैयार भी हो गई है, और आपको देखो, आप अपनी बालों को कंघी भी नहीं की अभी तक आपने। अभी निकले हो, अपने कपड़े भी पहन लिए और मेरी मलाक नहा के तैयार भी हो गई है। अब आ जाओ, मैं आपको पोनी लगाऊं, जल्दी उठो, आ जाओ। मुझे गर्दी हो गई, पोनी लगाओ, पोनी पकड़ो अपनी पोनी, जल्दी से हानिया को पोनी लग जाए। बच्चे सारे तैयार हो गए हैं और फिर हमने कहाँ जाना है? फिर मुझे तो नहीं पता आज किधर जाना है, मुझे खुद भी नहीं पता कि आज हम अवतार किस का हम जा रहे हैं। आज पापा की बारी है, पापा बताएंगे किधर जाना है। आपके पापा आएंगे तो ना, अभी तक मेरे हस्बैंड घर आए नहीं है और कुछ भी पता नहीं है, ना कोई आइडिया है हमें। कल भी जैसे जब हम घर से निकले थे ना, अचानक ऐसे बस प्रोग्राम बन गया मस्जिद नबी जाने का, लेकिन इरादा कल भी नहीं था मस्जिद नबी जाने का। फिर मैं कह रही थी कि अल्लाह का शुक्र है हम आ गए वहाँ पे, और वहाँ पे जैसे बारिश हो रही थी बहुत मजा आया, अल्लाह पाक की रहमत बरस रही थी। घर से निकलते निकलते ना हमारा मस्जिद नबी जाने का प्रोग्राम बन गया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हम सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रमजानुल मुबारक के एक नए दिन के साथ हमारे व्लॉग की रूटीन का आगाज हो चुका है। भगवान अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और हम सबकी जिंदगी आसान हो, आमीन या रब। इसी के साथ हमारे व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और व्लॉग की जो भी रूटीन होगी वो भी आप सबके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल मैंने बच्चों को तैयार करवा लिया है, अभी हम वेट कर रहे हैं मेरे हस्बैंड का कि जैसे वो आते हैं और हमें पता चले कि हमने कहाँ जाना है इफ्तार करने के लिए। फिलहाल कोई आइडिया नहीं कि हम कहाँ जाने वाले हैं, बाकी हमारा सारा जो सामान है वो पैक हो चुका है, बच्चे भी तैयार हैं, बस आज मेरे हस्बैंड का वेट हो रहा है, वो नहीं आ रहे, वो ही लेट हो रहे हैं। कल भी आप सबने मदीना मुनव्वरा का मौसम देखा था कि किस तरह से आसमान पे बादल छाए हुए थे। जब हम गए तो बिल्कुल मस्जिद नबी के जब करीब पहुंचे तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा लग रहा था, लेकिन आज देखें कि आसमान जो है ना साफ नजर आ रहा है, सूरज निकला हुआ है कि हल्के बादल है आसमान पे, और आज मदीना मुनव्वरा में इस तरह का मौसम है। मेरी मलाक मजे से सो गई है नहा के तैयार होके, और मैंने इसे दो सॉक्स पहनाई है, एक सॉक्स पता नहीं इसकी कहाँ चली गई, पता नहीं कहाँ गायब कर दी, यहाँ पे नीचे भी नजर नहीं आ रही, मुस्तफा बैठा इसके साथ भी इधर उधर कहीं नहीं है। और यहाँ पे क्रीमी फ्रूट चाट भी बन के तैयार हो चुकी है, तो इसे भी अब जल्दी से पैक करते हैं। चोट लगी हुई है, छोड़ दो मैं देखती हूँ क्या लगा। उठो आप यहाँ से, जल्दी करो, ये मलाक का ये बैग पैक करो। मस्जिद से सुकून से मेरी मलाक सोई हुई है, इसे हम लेकर जा रहे हैं। चलो हानिया जल्दी चलो, बैग उठ रहा है ना मलाक का, ये रहा। हाँ चलो एक मिनट, दरवाजा तो बंद कर दो, बैग पीने वाला लाइट भी बंद कर दे, लाइट भी, हाँ लाइट भी। عينا شوقا ولطيبة ظرفت انا جلاسز کہاں ہیں آپ کے ادھر دیکھو دیکھو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نہیں اٹھائی نہیں گلاسز آپ نے کیوں بھول گئی بولتی آپ کو گلاسز ہیں تو میں ڈیلی آپ کو یاد کرواتی ہوں رات دن ہر ٹائم جان بوجھ کے نہیں پہننی ہوتی جان بوجھ کے ہاں جان بوجھ کے نہیں پہننی ہوتی اور پھر کہتی ہے کہ مجھے بھول گئی جو چیز آپ نے نہ اٹھانی ہو نا نہ استعمال کرنی ہو تو بس آپ کہہ دیتے کہ میں بھول گئی ہوں نہیں ویسے کبھی کوئی چیز نہیں بھولتی یہ ریکارڈ ہے ہانیہ کا آپ کا ریکارڈ کیا ہے مجھے کیا پتا नहीं है अपना रिकॉर्ड अब दोनों की बनती नहीं और फिर बैठती भी साथ है ना कुदरती साथ बैठ जाते हैं कुदरती नहीं है बैठने का कुदरत मम्मा कुदरती हम दोनों की सुलह कभी हुई है अच्छा मम्मा मुझे कहती है सारी टाइम कहती है आप जो कहोगे मैं वो करूंगी आपके पाँव दबाऊंगी मेरे लिए पानी भर के लाई बार बार चीजें ला रही है कहती है ये खाना दस मिनट बाद बस बदल गई दस मिनट के बाद बदल जाती हो नहीं नहीं पापा आ गए आपके पापा रोटी लेकर आ गए घर से हम निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं अपने रोज़ा अफ्तार करने के लिए रोज़ा अफ्तार करने के लिए हम जा रहे हैं सबा मस्जिद जहाँ पे सात मस्जिदें हैं सबा मस्जिद जहाँ पर गज़वा खंदक हुई थी इस वक्त हम आ चुके हैं सबा मस्जिद मदीना मुनव्वरा में उस मकाम पे जहाँ पर गज़वा खंदक हुई थी
सूरज के गरूब होने का व्यू यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है। और ये पूरा व्यू आप चेक कर सकते हैं कि मौसम कैसा बना हुआ है, किस तरह से खूबसूरती है आसमान पर और जमीन पर सबा मसाजिद की माशाल्लाह मदीना मुनव्वरा में। अच्छा, ये जो है ना, ये मस्जिद फतह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंग के दौरान खैमा था, और उसके नीचे जो है हजरत सलमान फारसी रजुल्ला अनहु के नेम से मस्जिद है, हजरत सलमान फारसी का खैमा था वहाँ नीचे। तो बिल्कुल यहाँ ऐसे हम घूम कर जैसे आते हैं तो ये देखें, ये जो मस्जिद है ये हजरत अली के नेम से मस्जिद है। सामने ऊपर वाली ये वाली मस्जिद हजरत अली के नेम से है। तो ये जो मस्जिद है हजरत अली के नेम से है, और साथ यहाँ पे देखें वहाँ पे मैं अभी आप सबको दिखाती हूँ, ये जो ब्लैक कलर की ये जो आपको ग्रिल नजर आ रही है, यहाँ पे मस्जिद फातिमा है, हजरत फातिमा रदुल्ला अनहा के नाम से मस्जिद है। तो ये वाली मस्जिद जो है हजरत फातिमा रदुल्ला अनहा के नाम से है, तो यहाँ पर हजरत अली रदुल्ला अनहु के नेम से मस्जिद है। और ये बड़ी मस्जिद माशाल्लाह जामा मस्जिद है। यहाँ पे हमने लगाया अपना दस्तरखान, अपना मैट बिछा के हजरत उमर बिन खत्ताब रदुल्ला अनहु के नेम से जो मस्जिद है उसके साथ हम यहाँ पर बैठ गए हैं। मस्जिद में वहाँ पे दस्तरखान लगे हुए हैं, जेंट्स साइड पे और लेडीज साइड पे भी दस्तरखान लगे हुए हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं गए, हम यहीं पर बैठ गए हैं। और आज हमारा जो रोजा अफ्तार है वो यहाँ पर हो रहा है, इस खूबसूरत व्यू के साथ, इस खूबसूरत मौसम के साथ, और बहुत ही खूबसूरत और मुकद्दस जियारत के साथ। और मेरी मलाक क्या करे यहाँ पे, नींद में भी उठ गई है सच, क्या करे मेरा सोना बच्चा, टांगे कैसे रखी हुई है मलाक ने, सॉक्स भी बच गए, अब मुझे बताएं कि मैं कहाँ से बैठूं, मेरी तो जगह ही नहीं है। मलाक उठा के झूले में रखे और आप जहाँ बैठे, मलाक को उठा के इसमें रखूं, मैं यहाँ पे बैठूं। तो यहाँ पे जो लेडीज बैठी है ना, इन्होंने हमें दिया है अभी दस्तरखान पे सूप, सूप दिया इन्होंने हमें, और मैंने अभी कहा इनको कि जाके मुस्तफ़ा भी जाके कुछ दे कर आए उनको, तो अभी मुस्तफ़ा जा रहे हैं उनको देने के लिए। हाँ आप भी किसी को दे कर आओ, इधर इधर एक अंकल बैठे हो उनको दे दो, यहाँ पे नीचे ये पकड़ो अपनी प्लेट। अच्छा अच्छा दे दो, पानी दे दो आप पहले, कितना टाइम बाकी आप देखें, बस आधा मिनट बाकी, आधा मिनट बाकी है। हो गई अजान, हो रही है अजान, ये अंकल वालों को देखो पानी। मेयोनीज़ और केचप से, बहुत मज़े का बना हुआ है। जितनी भी चीज़ें आज बनी हुई ना, सबसे जो ज़्यादा मज़े के बने हुए हैं तमन्ना के, जो चीज़ बॉल है वो बने हुए हैं। मैंने कीमा और मटर बनाए वो भी नहीं, फ्रूट चाट तो बनती रहती है, लेकिन ये जो है ना, हाँ नहीं अच्छे है ना, आपको अच्छे लगे हैं, ये बॉल बना हुआ है। हाँ ये बॉल, हाँ ये जो बॉल बना हुआ ना, ये अच्छे क्या, जो अंदर है वो अच्छे नहीं है। खाने जाके उस बिल्ली को दे दो, अभी कोई और वहीं पे रख दो, वो आ जाएगी। क्या आपका, आप बताओ, रुबाइशा कहाँ से हो आप, पाकिस्तान से। माशाल्लाह देखिए ये कितनी क्यूट है, और आप क्या देखती हो, हमारे ब्लॉग देखती हो आप, डेली देखती हो, माशाल्लाह। कहाँ पे रहती हो मदीना में आप, मदीना में नहीं रहती, हाँ उम्रे पे शायद। अच्छा, आप उम्रे पे आई हो, माशाल्लाह। आपकी मम्मी पापा कहाँ हैं, उधर है, और ये हमसे मिलने के लिए आ गई, इतनी क्यूट सी देखिए माशाल्लाह। थैंक यू सो मच रुबाइशा, आप हमारे व्लॉग देखती हो, आप हमें इतना प्यार देती हो। कुछ खाओगी आप, नहीं। अच्छा जूस ले जाओ, कोई बात नहीं, ले जाओ जूस ले जाओ। और कोई है आपके साथ, आपकी बहन कोई है, और पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में है। अच्छा थैंक यू सो मच, अपनी मम्मा को सलाम देना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।
यहाँ पे देखें कोई दस्तरखान नहीं थी हमारे इर्द गिर्द, लेकिन फिर भी यहाँ पर आके हमें ये 3-4 पैकेट देकर चले गए हैं। इनमें जूस है, दही है, पानी है। खाने का मतलब ये है आप सबको कि आप मदीना मुनव्वरा में, सऊदी अरब में जहाँ पर भी जाते हैं ना, वहाँ पे बरकत ही बरकत है माशाल्लाह। इफ्तार हमारा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर देखें मस्जिद उमर बिन खिताब के साथ हम बैठे हुए हैं। हवा इतनी ठंडी चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे अब बैठ के हम रेस्ट भी कर रहे हैं और कहवा भी पी रहे हैं। बिल्कुल भी घर जाने का दिल नहीं कर रहा। अभी मेरे हस्बैंड को मैंने कहा है कि थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस अभी यहाँ पर बैठे हैं, कहवा पीते हैं, अपने थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं बच्चों के साथ। गुलो अपने भैया को देख के हंस रही है। हाँ, क्योंकि वो अकेली है, वो बड़ी कब से कोई नहीं आया। कब से कोई नहीं आया, अभी अभी तो उठी है वो, मजे से सोई रही है। हमने इफ्तारी कर ली और ये मजे में सोई रही है। अभी उठ के फुटबॉल खेलेगी आपके साथ। आ जाओ अब चले मुस्तफा, घुमा लिया आपने मलाक को, बस इधर लेकर आओ मलाक को, अम्मा के पास लेकर आओ। क्या कर रही है मेरी मलाक, मजे से सोई है। लड्डू वाला फेस बनाया मैं। हवा इतनी ठंडी चल रही है, उसको पहले कवर कर लो, फिर ठंडी लग रही है। चल बस, चलो मोना इस बस पे चलते हैं, क्या ख्याल है? अभी तक नहीं आई। हाँ अभी तक नहीं, अभी तक आई नहीं है। मोना को बस पे बैठने का बहुत ज्यादा शौक है, मेरी तरह। इसका दिन जरूर आएगा, जरूर आएगा। हाँ जरूर बैठेंगे हम। हाँ ये बास्केट कैसे, वजन ज्यादा हो गया इस वजह से, दिखाओ। अब जाना है कि नहीं जाना? चलो तमन्ना, सामने है ना गाड़ी। आपका पापा कहाँ है मुस्तफा? कहाँ चले गए हैं? मलाक बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। हाँ मेरा बच्चा इतना खुश हो रहा था, ये खुश हो रही थी कि मैं मुझे मेरे बहन भाई ना घुमा रहे हैं, ये छोटी सी जान। हाँ मलाक ने क्या पहनी हुई आज, बैंगल्स पहनी हुई है। मलाक कहाँ पे आई हो, देखा है आज आपने? हाँ आज तो आप उठी नहीं हो। आज तो मलाक डोर बनी दी है। फुटबॉल अब गुल्लू को छोड़ दो, फुटबॉल से टांग मारी है मलाक ने। मुस्तफा कहाँ चला गया? क्या कहे ना, चाबी मिली है, चाबी हम इसलिए यहाँ पे खड़े हुए हैं कि चाबी हमारी नहीं मिलती थी। चाबी सामान में चली गई थी, बास्केट में मिल गई है ना, बास्केट में थी जहाँ पे भी। हाँ ये क्या है गुलू, आ जाओ फिर से, चलो बॉक्सिंग करते हैं। पहला अपन जाओ, अभी बॉक्स काम चेक करो इसके छोटे से लाल के।